पेज 152 डी नंबर में है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे में दिया हुआ है, क्या बोल रहा है निकालने के लिए, इनकम फॉर द ईयर एंड 31st December, बट अंडरलाइन करो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस में हम लोग आपको क्या बताएं, जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसमें जो कैश रिसीव्ड हुआ उसी को लेंगे। तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, इनकम रिसीव्ड इन कैश, इन कैश में रिसीव्ड हुआ तो 50,000 आएगा। देखिए नीचे 50,000 लिया, एक्रूड इनकम और कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली लिखा हुआ है एक्रूड इनकम, तो ये कैश बेसिस में नहीं जाएगा, कहां जाएगा एक्रूअल बेसिस में। बट अगर एक्रूड इनकम रिसीव्ड बोल देता तो आ जाता, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड हो चुका है, आप इनकम रिसीव्ड किए एडवांस में, अरे एडवांस में करो या जो बाकी है उसका आपको मिल गया, आखिर रुपया तो आ रहा है ना कैश में, तो कैश बेसिस में ये कंसीडर होगा। यानी इनकम रिसीव्ड, रिसीव्ड को सर्कल में लो, पास्ट टेंस में दिया हुआ है ईडी रिसीव्ड, मतलब ऑलरेडी आपके पास मनी आ चुका है, तो ये 15,000 एड करेंगे कैश बेसिस के लिए। एक्रूड इनकम ऑफ 2009 रिसीव्ड इन 10, अरे हम तो 10 का बना रहे हैं, बोलता 9 का पैसा कब मिला 10 में, बट रिसीव्ड तो हुआ ना, इसीलिए रिसीव्ड को सर्कल में लो, ईडी है पास्ट टेंस में, मतलब रुपया आपके पास आ चुका है, तो कैश बेसिस में यह आएगा। ठीक है, तो बना लीजिए। सारे इनकम ही है, अगर एक्सपेंस रहते तो इनकम और एक्सपेंस अलग अलग बनाना पड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर बट नॉन प्रॉफिट बनाए थे उसमें कैश बेसिस कुछ नहीं बनाया है, उसमें नहीं रहता है कैश बेसिस, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनकम रिसीव्ड इन कैश, क्लियर हो रहा है ना। अब कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के सम्स आएंगे तो आप कर सकेंगे, क्योंकि अभी कैश का तो आप देख रहे हैं। Accrued income of 2009, received in 2010, 7,000. Total को हम लोगों ने प्लस कर दिया, 72,000 आ गया इनकम अंडर कैश बेसिस। अगर आपसे कोई बोलेगा और ये कब का था, तो 31st December का था। अगर हम आपसे पूछेंगे कि कितना कैश रिसीव्ड हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल हमारा रिसीव्ड हुआ 72,000, 50,000 तो कैश मिला ही मिला, साथ में हम लोग एडवांस में कोई हमको 15,000 देकर गया बट कैश आया, और मेरा पिछले साल का बाकी था वो भी मिल गया 7,000, तो टोटल हमारे पास आ गया 72,000।